हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि यहाँ पर आपके सामने मैं देसी क्रिकेट मैच अभी लेकर आऊँगा। ये दोस्तों सभी हमारे खिलाड़ी बैठे हुए यहाँ पर उदास काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर अभी प्लेयर पूरे आए नहीं है। फिर हम लोग अतरंगी प्राणी को भेजते हैं प्लेयर को बुलाने के लिए, और यहाँ पर जब तक हमारे बैठे हुए प्लेयर नाश्ता करते हुए, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक तो हम लोग के पास रहती नहीं, तो यहाँ पर नाश्ता करते हुए बिस्किट के रूप में और यहाँ पर एक बिस्किट मैं भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर सभी खिलाड़ी ये बैठे हुए और हंसते हुए, और आज हमारे आलोक सर भी आते हैं देसी क्रिकेट मैच में यहाँ पर अपने हाथ आजमाने के लिए, और इस बदले से बात करते हुए कि आज मैं इससे बहुत सारे रन बनाऊंगा। मैंने ये मिस्टर सचिन दुबई लोगों से मॉर्निंग कह रही कौन सा वाला मिस्टर है, मैंने ये हमारा वाला अरे जोर नहीं डालो यार, पहली बार लगी आज भगवान कसम जिंदगी में। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में और यहाँ पर हमारे तूफानी भाई निकल चुके हैं ब्लॉगिंग के लिए। आगे लेकिन सचिन तूफानी, और ये हमारा दूसरा ब्लॉगर जो कि अभी कुछ समय में ज्यादा जल्दी हिट हो गया है, अभी आपको दिखाएंगे यहाँ के कारनामे बुंदेलखंड में। जैसा आप लोग देख सकते हो कि ये बॉलर है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर बॉलर को देखा, और यहाँ पर दोस्तों मैच स्टार्ट हो चुका है, और पहली बॉल मैं फेस करता हूँ, और यहाँ पर ये बॉल वाइड है, और यहाँ पर बहस चलती हुई यहाँ पर कि वाइड है कि राइट है, और यहाँ पर इस बॉल को राइट दे दिया जाता है। थोड़ा सा बॉलर के पक्ष में यहाँ पर फैसला हो जाता है, उसके बाद अपने माते भैया दूसरी बॉल डालेंगे अभी हमको, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जैसे ही माते भैया दूसरी बॉल डालते हैं और मैं घुमा के मार देता हूँ, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर जगह कम होने की वजह से यहाँ पर लेग स्टंप का जो एरिया है वो यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि लेग स्टंप पे बहुत सारी झाड़ियाँ और घास लगी हुई है, तो इसके कारण यहाँ पर मैं आउट हो जाता हूँ और पहली ही गेंद पर चलता बनता हूँ। और उसके बाद हमारे कल्लू भाई आते हैं बैटिंग करने के लिए, अब देखते हैं दोस्तों हमारे कल्लू भाई क्या ही कमाल करके दिखाएंगे। यहाँ पर बल्ला घुमाते हुए तो चले जा रहे हैं विकेट के पास, और यहाँ पर अब कल्लू भाई की बैटिंग आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों आप कल्लू भाई की बैटिंग एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम तो आउट हो चुके हैं और बॉल वहाँ पर खो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है, छक्का मार के एंजॉय। नहीं तो भाई लोग आप लोगों से कहना है कि हमारी पिच को साफ और सुथरा रखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोज खेलते हैं। बड़ा हरामी है, ठीक है सर। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो ये सबको सलाह दे रहा है कि साफ रखना है, वो खुद ही थूक रहा है। और दोस्तों जैसे ही बॉल मिलती है और मैच दोबारा से शुरू होता है, और हमारे कल्लू भाई बैटिंग करते हुए अब देखते हैं, और कल्लू भाई ने पहली ही गेंद पर उड़ा के मार दिया है बॉल हवा में, और यहाँ पर तूफानी भाई रन भागते हुए, लेकिन ये ज़्यादा तेज तो नहीं भाग पाते, लेकिन अपने रन कम्प्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो रन कम्प्लीट करते हुए हमारे दोनों खिलाड़ी भाग कर, दोस्तों असली मजा तो अब आएगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की ने। तो यहाँ पर हमारे तूफानी भाई से पहली बॉल तो डॉट हो चुकी है, अब देखते हैं दूसरी बॉल पर क्या ही कमाल करके दिखाते हैं। और यहाँ हमारे माते भैया यहाँ पर काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी गेंद भी तूफानी से डॉट हो जाती है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। और दोस्तों सभी खिलाड़ी तूफानी से काफी नाराज, क्योंकि दोस्तों ये बॉल डॉट पे डॉट करते जा रहे हैं, और यहाँ पर देखो कितना ज्यादा खुश है। तो एक ओवर समाप्त होने के बाद कल्लू भाई हमारे पहली गेंद पर स्ट्राइक दे देते हैं तूफानी को, और दोस्तों यहां पर बॉलर चेंज हो चुका है, अब देखते हैं तूफानी अगले बॉलर पर क्या ही कमाल करके दिखाएंगे यहां पर, और देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर बॉलर तो बदला, लेकिन तूफानी का खेलने का ढंग नहीं। रुक, कहां से आते हैं? तो यहाँ पर तूफानी भाई सभी बॉलरों की यहाँ पर गेंदें पीते हुए अभी तक उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, और देखते हैं आगे क्या ही कमाल करेंगे। और बराबर बॉल है, डॉट पर डॉट करते जा रहे हैं, और टीम पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, और दूसरी तरफ हमारे कल्लू भाई काफ़ी ज़्यादा निराश तूफानी भाई की ये बैटिंग देखकर, क्योंकि दोस्तों अभी तक इन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, लगभग 8 से 7 बॉल खेल चुके हैं, और देखते हैं अगले बॉल पर फिर बल्ला घुमाया और फिर खड़े रह गए। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ भाई, क्या ही करेंगे तूफानी भाई, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक बॉल और डॉट, कंट्रोल और यहाँ पर तूफानी भाई लगातार बॉल डॉट करते जा रहे हैं, और रनों की गति पर विराम लगा हुआ है, क्योंकि रन बने ही नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ से हमारे कल्लू भाई परेशान हो रहे, नए खिलाड़ी आते हुए अभी यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर मैच, और ये देखिए तूफानी भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है भाई। तूफानी भाई ने भाई पूरे मैच ही बदल दिया यहाँ पर।
तो दोस्तों हमारी टीम का स्कोर फिलहाल तो अभी दो ओवर की समाप्ति पर 6 रन है। 2 रन हमारे कल्लू भाई ने बनाए थे, 3 रन सॉरी, और यहां पर 3 रन वाइड के आ चुके हैं, तो 6 रन हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या ही कमाल करते हैं हमारे कल्लू भाई। और पहली बॉल इन्होंने घुमाई और यहां पर भागते हुए रनों की तरफ, और यहां पर शायद हाँ मिसफील्ड हो जाती है, तो हमारे कल्लू भाई यहां पर 2 रन पूरे कर लेते हैं और तूफानी को दौड़ाते हुए, और तूफानी अपने पहुँच जाते हैं अपनी जगह पर। और अगली बॉल पर कल्लू भाई ने हमारे उड़ा के मार दिया और ये शायद हाँ 6 रन हो चुके हैं यहाँ पर, तो 2 बॉलों पर यहाँ पर 8 रन कल्लू भाई बना चुके हैं, तो 14 रन हो चुके हैं हमारे। अब देखते हैं हमारी टीम आगे क्या ही कमाल करती है, 14 रन तक पहुंच चुकी है। और अगली बॉल पर फिर घुमा के मारते हैं हमारे कल्लू भाई, लेकिन बोल्ड हो जाते हैं। और हमारे फिर मंगोरी भाई आते हैं बैटिंग करने के, जो पहली बॉल ही डॉट कर देते हैं और यहाँ पर दूसरी बॉल पर घुमा के मारते हैं, लेकिन वो विकेट के पीछे चले जाते हैं। आलोक सर हमारे भागते हुए बॉल के पीछे पीछे, और तूफानी भाई यहाँ पर 1 रन कंप्लीट करके और दूसरे रन की तरफ भागते हुए, देखते हैं तूफानी भाई पहुंच पाएंगे कि नहीं। और यहाँ पर हमारे मंगोर भाई ने घुमा के मार दिया शॉट, और यहाँ पर ये शानदार चौका, और हमारी टीम के धीरे धीरे रन स्कोर बढ़ता हुआ और स्कोर पहुंच चुका है 20 रन। अब देखते हैं आगे कितने रन और बना पाएंगे। कैसा लगा आपको इधर पे? बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं, आपकी टीम के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। अरे क्या कर रहा हूं और अगली ही गेंद पर हमारे मंगोरी भाई लेग स्टंप पर मारकर आउट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर झाड़ियां बहुत है। अब दोस्तों सेकंड इनिंग शुरू होगी, तो सेकंड इनिंग में हमारे कहां तक गेंदबाज कल्लू भाई आएंगे, पहला ओवर लेकर पहली गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया उन्होंने रोहित पठान को, और पठान भाई यहां से चलते हुए और हमारे माधविया बैटिंग करते हुए, और यहां पर पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का लगा दिया है और अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया है। अब देखते हैं, और दूसरी ही गेंद पर वो डॉट हो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या ही होगा। और यहाँ पर अगली गेंद हमारे कल्लू भाई डालते हो, दूसरी गेंद तो फिर चौका मार दिया है भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे माधविया ने काफी आक्रामक बल्लेबाजी करके मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। अब गेंदबाजी करने आता हूँ मैं, अब देखते हैं दोस्तों मैं क्या कर पाता हूँ। पहली गेंद पर सिंगल बनाते हुए हमारे राज, और अगली गेंद पर माधविया सिंगल देते हुए, यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज सिंगल था ये, और यहाँ पर सिंगल कम्प्लीट कर लिया है। और अगली गेंद हमारे राज फिर खेलते हुए, और यहाँ पर ये डॉट हो जाती है ये बॉल, और हमारे कल्लू भाई पीछे गेंद उठाते हुए, और अगली ही गेंद पर राज यहाँ पर एक और सिंगल लेते हुए, और यहाँ पर अब माधव भैया स्ट्राइक पे आते हुए और काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है उनसे। और यहाँ पर ये बॉल उनकी बॉडी में गलती है और यहाँ पर डॉट हो जाती है, और अगला ओवर लेकर फिर हमारे कल्लू भाई आते हैं। तो दोस्तों 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हो चुका है, हमारे माधव भैया की जो टीम है उनका स्कोर हो चुका है 13 रन। और काटा तो यार काफी अच्छा निकालते हैं, और यहाँ पर इस शॉट पर बहस हो जाती है। बॉल लेग स्टंप जाने की वजह से माते भैया आउट हो जाते हैं, और आलोक सर यहाँ पर बैटिंग करने आ चुके हैं। और अब देखते हैं अगली गेंद पर क्या ही कमाल करते हैं। पहली गेंद तो काफी डर के खेली उन्होंने, और दूसरी गेंद पर उन्होंने काफी अच्छा शॉट खेला, और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, और यहां पर अब स्कोर सिर्फ 6 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। तो लास्ट ओवर में गेंदबाजी मुझे करना है। अब देखते हैं हमारे माते भी स्ट्राइक पर रहते हैं, जो कि काफी आक्रामक उन्होंने बल्लेबाजी की थी पहले ओवर में, और यहां पर पहली बॉल तो डॉट हो जाती है, और देखते हैं माते भी दूसरी बॉल पर क्या ही कमाल करते हैं और अपनी टीम को यहाँ से मैच जिताते हैं या मैच हराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी बॉल भी डॉट हो चुकी है। अब दोस्तों 4 बॉलों पे 6 रनों की जरूरत है, और यहाँ पर तीसरी बॉल भी डॉट हो चुकी है, जो कि उनकी बॉडी में टकरा चुकी है। और अब देखते हैं 3 बॉलों में 6 रनों की जरूरत है, और यहाँ पर 1 बॉल और डॉट। अब दोस्तों 4 बॉल हो चुकी है। अब दोस्तों माते भैया की टीम को 2 गेंदों में जरूरत है 6 रनों की। अब देखते हैं माते भैया निकल के शॉट मारा और बीट हो जाते हैं, और हमारे कालू भैया की प्यारी सी स्माइल, क्योंकि दोस्तों यहां से हम लोग मैच अब हार नहीं सकते, सिर्फ मैच ड्रॉ हो सकता है। और क्या ये माते भैया मैच ड्रॉ करा पाएंगे, देखते हैं लास्ट बॉल, और यहां पर लास्ट बॉल भी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया, माते भैया के मुंह में लग जाती है, और यहां पर मैच हम लोग काफी आसानी से जीत जाते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मजा तो मुझे आया था तूफानी भाई की बैटिंग देखने में, आप लोग को दोस्तों कहां मजा आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।